वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को लगातार सातवां बजट पेश किया। उनका 1 घंटे 23 मिनट का भाषण सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। न्यू टैक्स रिजिम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17,500 रुपए का फायदा हुआ है। आइए जानते हैं बजट की 8 बड़ी बातें। पहली, नौकरी वालों के लिए 1,00,000 रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। एजुकेशन लोन के लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1,00,000 स्टूडेंट्स को मिलेंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए वित्त मंत्री ने बिहार को 57,500 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्पेशल स्कीम लाने का वादा भी किया। किसान के लिए 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा किया गया। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी। मोबाइल फोन सस्ते होंगे। मोबाइल फोन और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम किया जाएगा। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कम कर 6% की गई। आपको बता दें कि बजट में कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स यानी समुद्री भोजन सस्ते हुए हैं।